हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। तो आइए बारी बारी से जानते थे। तो पहले था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, इसमें ऑनलाइन डेट था पहले 2/11/2021 से 8/11/2021 के बीच, लेकिन इस बीच आपको छठ पूजा आ गया था, फेस्टिवल आ गए थे, ओके, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। इसीलिए आगे भी आपको मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में कंपार्टमेंटल, क्वालिफाइंग, समुन्नत एवं पूर्ववर्ती कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय, जो पिछले साल एग्ज़ाम दे चुके हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम और जो फेल कर गए हैं, दोबारा उनको एग्ज़ाम देना है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, 11th में नाम लिखाए हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखिए 5 स्टेप है, यहाँ पे 7 स्टेप है। पहला है लॉगिन, दूसरा है फॉर्म फिलअप, तीसरा है वेरिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट, 4 है पेमेंट, 5 है पेमेंट वेरिफिकेशन, 6 है स्टूडेंट लिस्ट फील्ड फॉर्म ऑफ अ स्टूडेंट और 7 है लॉग आउट। हाल फिलहाल के नोटिफिकेशन की बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अब विस्तारित अवधि में दिनांक ध्यान देंगे 5/12/2021 तक किया जाएगा, जो कि बहुत ही अभी टाइम है, आप लोग जाके करवा सकते हैं जो लोग नहीं करवाए हैं, वंचित रह गए हैं। और देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क समिति के वेबसाइट inter23.biharboardonline.com के माध्यम से शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा भरा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रधान द्वारा यानी कि प्रिंसिपल सर के द्वारा भरा जाएगा। आगे की बात करते हैं तो यदि किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क जमा नहीं हो पाया है तो वैसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिनांक 5 तारीख बर्मा महीना 2021 तक जमा कराते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ओके, यानी कि यही अंतिम तिथि है। और आगे की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, ओके। और इसमें आपको स्कूल में अलग अलग शुल्क लग रहा है, कहीं पे 500 लग रहा है और फॉर्म भरने का आपका अलग से 20 रुपया लग रहा है, ठीक है, तो कहीं पे 550 लग रहा है, कहीं पे 535 रुपया लग रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट 600 लेके जाइएगा और जो पैसा बचेगा घर लेके आ जाइएगा, ओके। सब अलग अलग है, आपको बहुत तो 2 फ़ोटो लेके जाना है स्कूल में और मार्कशीट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना है और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सब का आप फोटोकॉपी करवा लीजिए मार्कशीट का और OFSS के थ्रू। आप आर्ट्स में एडमिशन लिए थे, साइंस में एडमिशन लिए थे, कॉमर्स में एडमिशन लिए थे, वो भी आपको लेके जाना है वहाँ पे, उसका फोटोकॉपी। बस ज़्यादा कुछ तो लग नहीं रहा है एडमिशन कराने में, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।